मैं हार गया आचार्य। मैं ये तक नहीं पता लगा पाया कि धनानंद अपना धन किस स्थान पर छिपाता है। जब मैं इतना सरल कार्य करने में विफल हो गया तो फिर मैं उस धनानंद का सामना कैसे कर पाऊंगा? कैसे उसके विरुद्ध अपनी सेना खड़ी कर पाऊंगा? कैसे क्रांति का आरंभ होगा? एक माह में तो ये सब करना मुझे असंभव प्रतीत हो रहा है आचार्य। युद्ध में असफल वो योद्धा नहीं होता चंद्रगुप्त, जो लड़कर नीचे गिर जाता है। असफल वो होता है जो नीचे गिरने के पश्चात पुनः उठकर लड़ने का साहस भी खो बैठता है। इस चींटी को देख रहे हो चंद्रगुप्त? देख रहे हो कैसे वो अपने मुंह में मिष्ठान का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे अपने छिद्र तक ले जाने का भरसक प्रयास कर रही है। बार बार गिर जाती है परंतु पराजय स्वीकार नहीं करती। पूरे धैर्य और साहस के साथ पुनः जुट जाती है अपने कार्य में। और तुम देख लेना, ये अंततः है सफल भी होगी, क्योंकि बार बार मिली असफलता ने इसे सफलता के विषय में अनमोल सीख दे दी। यदि धनानंद के गुप्त धन तक पहुंचना इतना ही सरल होता तो अब तक असंख्य लोग वहां तक पहुंच चुके होते चंद्रगुप्त। यदि तुम्हें उस धन तक पहुंचना है तो इस चींटी की भांति निरंतर और अथक प्रयास करने होंगे, एड़ी चोटी का बल लगाना होगा। तुम्हारे पास साहस और संकल्प की शक्ति है चंद्रगुप्त। अब तुम्हें सीखना है कि अपनी पराजय को विजय में परिवर्तित कैसे किया जाता है।